नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। गर्मियाँ आ गई हैं, कई बार कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता या घर में कोई सब्जी नहीं होती, तो अंडे जो है ये हर किसी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज एक एग कड़ी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग कड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिए हैं 2 प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनको मैं दरदरा पीस लूँगी। 2 टमाटरों को मैंने पीस लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और साथ में ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी। अदरक और हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है और धनिया लिया है हरा कटा हुआ मैंने। इसी के साथ मैंने ये 4 अंडे लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और साथ में मैं तेल का इस्तेमाल करूँगी जिसमें मैं सब्जी को बनाऊँगी। तो सबसे पहले जितने भी अंडे हैं इनको मैं एक फोक की मदद से इस तरह से इनमें होल कर लूँगी ताकि जब मैं सब्जी बनाऊँ तो इसके अंदर मसाला जो है अंदर तक चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को हल्का गर्म करके इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया था। तब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ डाल दूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इन दोनों को डालने के बाद साथ के साथ मैं इसमें अंडे डाल दूंगी और इनको मैं अच्छी तरह से पका लूंगी इसके साथ। तो अंडों को इस तरह से पकाने का एक फ़ायदा होता है कि जब हम एग कड़ी बनाएंगे तो वह देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो 2 से 3 मिनट में इसको आस्था गैस पर ही इस तरह मसालों के साथ पका लूँगी पहले। तो अंडे जो है हमारे पक गए हैं, तो अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल ली। तो सेम कढ़ाई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल को डाल दूँगी। तो तेल को हल्का गर्म करने के बाद ये प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया था दरदरा, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। तो प्याज को मैं हल्का लाल होने तक पकाऊंगी। मैं वैसे भी जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उनमें वही मसाले इस्तेमाल करती हूँ जो आमतौर पर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज जो है हमारे हल्के लाल हो गए हैं, तब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर डाल दूँगी, इनको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो टमाटर हमारे भुनने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्च। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी नमक, तो 1/2 चम्मच नमक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी डाल दूँगी और कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब। और अब इस मसाले को भी मैं मिलाकर 2 से 3 मिनट इसको पकाऊँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा मसाला। तो मसाला जो है हमारा भुनना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च, कसूरी मेथी और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भून गया है और तेल भी इसने अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, तो पानी मैं अंदाजे से डालूँगी। तो मैं ये वाले 2 बाउल इसके अंदर पानी भर के डालूँगी। तो ग्रेवी को हमारी उबाला आना शुरू हो गया है। करीब इसको 5 से 7 मिनट मैं भी मीडियम हीट पे पकाऊँगी ताकि अच्छे से जो हमने पानी डाला है वो पक कर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है हमारी पक कर तैयार हो गई है और तेल इसका ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने गैस को तेज कर दिया है और अब मैं इसमें एक एक करके अंडों को छोड़ दूंगी। तो अब मैं इसमें मसाले में कम से कम अंडों को 10 मिनट पकने दूंगी क्योंकि मैंने फोक से जो होल किया था उससे जो मसाले हैं अंडे के अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। एग कड़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी इसकी अच्छे से पक गई है, तेल इसने पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए इस कढ़ाई में रेस्ट करने दूंगी, उसके बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली है, तो इसके अंदर अब मैं सब्जी को निकाल लूँगी। तो ग्रेवी डाल दूंगी अब मैं इसके ऊपर। तो एक प्लेट में निकालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हरा धनिया। तो हमारी एग कड़ी बनकर तैयार हो गई है। देखने में जितनी बढ़िया लग रही है खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। मैंने इसमें पूरे अंडे डाले हैं, आप चाहें तो इसमें कट करके भी डाल सकते हैं, मगर आप पूरे अंडे डालेंगे और इस तरह से मसाले में अगर रोस्ट कर लेंगे एक बारी तो बहुत ही अच्छी आपकी एग कड़ी बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई एग कड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बनाई एग कड़ी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ।
नमस्कार।